ऑलराउंडर बना दिया तूने इसको। हाँ जी, तो आई होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी लोगों का एसएससी ट्यूब पे। यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग टुगेदर, हम लोग एक साथ मिल रहे हैं और आज आप सभी लोगों का स्वागत है। तो क्या पढ़ना चाहेंगे ये पहले क्लियर हो जाए कि क्या पढ़ाऊं मैं आपको, उसके बाद फिर हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे कहा था काउंटिंग फिगर के बारे में भी कहा था कि वो भी क्लियर नहीं हो पाया है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाए आप लोग। तो क्या पढ़ना चाहोगे, क्या चल क्या रहा था लास्ट टाइम, मैंने क्या पढ़ाया था आपको वही बताइए पहले मुझे। लास्ट टाइम क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, ब्लड रिलेशन शुरू किया था शिवम राजन, ब्लड रिलेशन। मैंने आपको काउंटिंग फिगर्स नहीं, पहले मुझे ये बताओ पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था। काउंटिंग फिगर करा दो, मैं करा दूंगा अभी फिलहाल। पता तो चले, जब मेरी आवाज खराब थी जिस दिन मैं आया था आप लोगों से मिलने के लिए, इंटरेक्शन के लिए, उस टाइम में बेटा आप लोग मुझे समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। नहीं बच्चे, अच्छा इनइक्वालिटी हुआ था, देखो शिखा ने सही बताया है। यस, इनइक्वालिटी हुआ था लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था, और इनइक्वालिटी में मैंने आपको क्वेश्चंस को उड़ाने का तरीका बताया था। क्या शिखा, सही बात है ना निशांत, करेक्ट है। इनइक्वालिटी में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, उससे आगे की चीजें सीखनी है या क्लियर हो गया है इसको कंफर्म करो पहले। भाई मुझे जो कहोगे पढ़ा दूंगा मैं, रितिका यही तो मेरी खास क्वालिटी है। हाँ तो रितिका कह रही है और एक दो बच्चों ने और ने कहा है ब्लड रिलेशन के लिए, तो आज ब्लड रिलेशन पढ़ाए आपको बताइए। यही बात तो मुझे खास बनाती है बच्चों, है ना। तुम जब जो कहा वही पढ़ा दिया सर ने, सोचना नहीं है कुछ भी, जो पढ़ना है इमीडिएट पढ़ो भाई, ऑन स्पॉट। देखो भाई ब्लड रिलेशन की डिमांड आ गई है, पहले ब्लड रिलेशन फिर उसके बाद वो टॉपिक होगा भाई। आज हम पढ़ेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी ब्लड रिलेशन को हिंदी में यही कहा जाता है, और ये आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी करेक्ट बात अगर की जाए तो ये है रक्त संबंध, हम आपके हैं कौन, ये भी इसको हम कहते हैं, है ना। तो हम आपके हैं कौन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें थोड़ी सी कुछ चीजों को आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले ये चीज समझ लेना इसमें कि मेल के लिए प्लस का साइन और फीमेल के लिए माइनस के साइन का प्रयोग किया जाता है। वाइफ हस्बैंड की अगर बात है तो एरो दोनों साइड, वाइफ हस्बैंड, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, और हस्बैंड वाइफ है तो भी दोनों साइड एरो का साइन, लेकिन यहां पर हस्बैंड यहां पे वाइफ प्लस माइनस का साइन। यानी जब कभी भी क्वेश्चन में आप कपल के लिए आप यूज करो तो आपको दोनों साइड एरो रखना है, जिससे कि आप समझ पाए कि एरो जब कभी भी आएगा तो ये कपल को इंडिकेट करेगा, ये आपको समझ लेना है। ब्रदर ब्रदर की बात अगर होगी तो सिंगल लाइन आएगा और दोनों में प्लस का साइन होगा, सिस्टर सिस्टर अगर होगी तो भी सिंगल लाइन होगा लेकिन माइनस माइनस का साइन होगा। अगर क्वेश्चन में ब्रदर और सिस्टर अगर हुआ तो आपको याद रखना है प्लस
और माइनस का प्रयोग होगा, और सिस्टर ब्रदर का प्रयोग हुआ तो भी सिंगल राइम रखना है, लेकिन यहां पे माइनस यहां पे प्लस होगा। तो ये आप सबसे पहले ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं। ये शिवम खून का रिश्ता, लेकिन आंसर नहीं निकला तो खूनी रिश्ता है ना, ये ध्यान रखिएगा। खून का रिश्ता या खूनी रिश्ता, खून का रिश्ता या फिर आंसर ना निकले तो खूनी रिश्ता, ये आप मान लीजिएगा इस बात को। और आज आप देखिएगा कि ये खून का रिश्ता खूनी रिश्ता में कैसे कन्वर्ट होता है, आज सब आप लोग चेक करने वाले हैं। लेकिन अगर सर के बताए हुए रूल पे आप होंगे तो आज बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज के बाद इस टॉपिक में आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने सर को फॉलो किया था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई? यहां तक सब लोगों ने नोट कर लिया? यहां पे सब लोगों ने यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ जी, हाँ हेल्थ सब ठीक है, अब मैं बेटर हूं, पहले से ठीक हूं मैं। तो ये आपके सबसे पहले, अब इसके बाद जो आपको सीखना है वो देखना है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये आप है, आपसे ऊपर के जनरेशन के लिए आपको एरो ऊपर की तरफ ले जाना है, यानी आपसे ऊपर पिता और माँ, और उसके ऊपर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, यानी दादा दादी नाना नानी, ये सब आ गए। आपसे नीचे सन और डॉटर, और उसके नीचे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, यानी आपको याद रखना है कि दो जनरेशन आपके ऊपर है, दो जनरेशन आपसे नीचे है। यानी आप रितिका बच्चे, इसमें क्वेश्चंस आते हैं यार, है ना? आप देखो तो अगर कॉम्बिनेशन बना दिया जाए इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना कि अगर पैटर्न को थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया तो रितिका इसमें तीन क्वेश्चन तक जा सकता है, ये ध्यान रखना। मोहसिन गुड इवनिंग बच्चे, है ना? तो पढ़ लो अच्छे से। तो आपसे ऊपर दो जनरेशन आ गया, आपके नीचे भी दो जनरेशन आ गया। यहां पर देखो सिर्फ माता पिता ही नहीं होंगे, यहां पे अंकल भी आ सकते हैं, आंट भी आ जाएगी, यहां पे पैटर्नल आंट भी आ जाएगी, यहां पे पैटर्नल अंकल भी आ जाएंगे, यहां पर मैटरनल अंकल भी आ जाएंगे, यहां पे मैटरनल आंट भी आ जाएगी, यानी चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसी, ये सब इस कैटेगरी में आएंगे, और ऊपर वाले कैटेगरी में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, कुछ लोगों को ये डाउट था सर कि ये किसमें आएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो आपके ऊपर दो जनरेशन होगा, आपके नीचे दो जनरेशन होगा, क्लियर है यहां तक? बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
हाँ जी बच्चों, तो दो जनरेशन आपके ऊपर, दो जनरेशन आपके नीचे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद कुछ और चीजों का ध्यान आपको रखना है क्वेश्चन में, और इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको सीखना है अच्छे से, साला, जीजा, देवर, सेठ, साढ़ू भाई, है ना, साढ़ू भाई। ये हिंदी के सब डिफरेंट नेम है, लेकिन इंग्लिश में इन सभी के लिए ब्रदर इन लॉ का प्रयोग होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपको खास करके ध्यान देना है, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन में इस तरीके से बच्चे लिखा हुआ आता है, यानी अगर आपको इसकी इंग्लिश नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, ये मीनिंग आपका क्लियर होना चाहिए। तो साला, जीजा, देवर, जेठ और साढ़ू भाई, इन सभी के लिए ब्रदर इन लॉ का प्रयोग होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को साढ़ू का मीनिंग मालूम है, जल्दी से भेजो लिखकर, क्योंकि स्टार्टिंग के चार तो सबको पता है, साला, जीजा, देवर, जेठ, सबको मालूम है। साढ़ू बताओ कितने लोगों को मालूम है, जल्दी बताओ। हाँ जी, हाँ बड़े खराब बच्चे हो। तो देखो, यही तो कह रहा था मैंने कि आज देखना बड़ा अजीब अजीब चीजें आएगी और बड़े खराब अजीब अजीब आंसर आएंगे। सूरज ने लिखा है कि वाइफ के सिस्टर का हस्बैंड, ओके। और मोहम्मद मुजीन, डोंट नो हिंदी, बेटा इंग्लिश भी लिख दिया है, टेंशन ना लो, हिंदी भी बता लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों भाषा में लिखा हुआ है। रितिका कहती है दो बहनों के हस्बैंड एक दूसरे के साढ़ू भाई, ग्रेट यार। और निशांत ने लिखा दो जीजा का रिलेशन आपस आपस में, है ना भाई। देखो ये बहुत बढ़िया आंसर है जो रितिका ने दिया है। आपको याद रखना है कि दो सिस्टर, दो लड़कियां अगर अपने आप को बहन कहती है, चाहे वो कजन हो, चाहे वो रियल सिस्टर हो, फ्रेंड्स भी आपस में अगर दो अपने आप को बहन समझती है, तो उन दोनों के हस्बैंड आपस में साढ़ू कहलाएंगे। तो याद रखना है कि दो बहनों के हस्बैंड साढ़ू कहलाते हैं। इसको कॉमन भाषा में एक बच्चे ने मुझे क्लियर किया है कि सर, साली के पति को साढ़ू कहते हैं। ये बात भी आप कॉमन भाषा में समझ सकते हैं यहां पर। तो यहां पर साढ़ू का मीनिंग ये हुआ। बाकी सभी रिलेशन आप लोगों के क्लियर हैं, आप लोगों ने बिल्कुल आराम से बाकी रिलेशन को आपने समझ लिया है। अब आ जाती है बात
फीमेल जेंडर में साली, भाभी, देवरानी, जेठानी, ननद, सलहज और इंग्लिश में इसे सिस्टर इन लॉ। सारे मीनिंग क्लियर हैं? एक बार मुझे समझा दो। हाँ जी, सब मीनिंग क्लियर है। एक में सलहज का मीनिंग थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम है तो बता दूं, साले की जो पत्नी होगी उसको सलहज बोला जाता है। कॉमन भाषा में इसको सरहज भी बोलते हैं, सरोज भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, लेकिन इसको बोला जाता है। इसकी करेक्ट हिंदी की अगर हम बात करें तो करेक्ट हिंदी इसकी सलहज होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साले की वाइफ को सलहज बोला जाता है। बहुत सारे लोगों ने क्लियर कर दिया है, सूरज ने इसको क्लियर किया है, वेद चौहान ने क्लियर किया है, बाकी सारे रिलेशन आप लोगों के क्लियर हैं तो आप ये सर बोलिए। एक डाउटफुल था जो मैंने बता दिया, बाकी सब क्लियर है? बताइए, जल्दी बताइए, पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब अगली बात आती है भतीजा और भांजा। हिंदी के दो अलग वर्ड, एक भाई का बेटा, एक बहन का बेटा, दोनों अलग-अलग नाम से हिंदी में जाने जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए नेफ्यू शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से भतीजी और भांजी, भाई की बेटी, बहन की बेटी, दो अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी इनके लिए भी कॉमन शब्द होता है और उसको नीस कहा जाता है। आप लोग नाइस ना कहें, ये प्रोनंसिएशन जो इसका होगा वो नीस का होगा। तो आप याद रखिएगा, भतीजी और भांजी के लिए नीस आएगा, भतीजा और भांजा के लिए निफ्यू आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार से पोता और नाती, ध्यान रखोगे बेटे का बेटा, बेटी का बेटा, ध्यान रखना है दोनों के लिए ग्रैंड सन का प्रयोग किया जाएगा। दोनों के लिए, चाहे बेटा हो चाहे पोता हो या नाती हो, दोनों के लिए हम ग्रैंड सन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से पोती और नातिन, पोती यहां पर बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, और नातिन बेटी की बेटी, दोनों के लिए हिंदी में अलग-अलग नाम से प्रयोग होगा, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए ग्रैंड डॉटर का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चाहे पोता हो या नाती हो, ग्रैंडसन का प्रयोग होगा, और चाहे पोती
पोती हो या नातिन हो, ग्रैंड डॉटर का प्रयोग होगा क्वेश्चन में। क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि आप सब लोगों ने नोट भी कर लिया है और मीनिंग भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना? ना, शॉर्ट में रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बाद में देख लेना। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे यार, आप भी देख रहे हो कितने नाम है, बोर हो जाएंगे बच्चे, बाद में वीडियोस देख लेना। ठीक है, चलो। तो यहां तक आप लोगों का काम बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। देख लेना, बड़ा कॉमन सी चीजें अभी बताई है, अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया है, तो एक बार वीडियो देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक्स कराया है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा नहीं बताया जिसमें आपको दिक्कत आए, तो परेशान मत होना, है ना संदीप? देख लेना, आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा तो बताना मुझे। अब हम लोग आते हैं इसके प्रश्न पे, और प्रश्न जो है वो अलग अलग प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सब कुछ अलग अलग तरीके से होगा, है ना? तो आपको ध्यान रखना है, जो चीजें आपको बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आजकल के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल के डेट का मतलब समझ जाइए कि अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम में ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। यानी अब आपको वो चीज मैं कराने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको आप लोगों को अच्छे से सीखना है जिससे कि कोई दिक्कत आपको एग्जाम में ना आए, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ गया, ए एंड वाई आर ब्रदर्स ऑफ के। ए और वाई के भाई हैं, ए और वाई के भाई हैं। वाई इज सन ऑफ पी एंड एस। वाई पी और एस का बेटा है, वाई पी और एस का बेटा है। पी इज डॉटर ऑफ एक्स, पी एक्स की बेटी है। एम इज फादर इन लॉ ऑफ एस, एम एस के ससुर हैं। लड़कों, बेटा स्माइल आएगा चेहरे पे, लेकिन एग्जाम क्लियर होगा ना तभी ससुर भी बना पाओगे, है ना? ध्यान रखना, एम एस का ससुर है एंड क्यू इज सन ऑफ एक्स, क्यू एक्स का बेटा है। क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम, वाई एम का कौन है, और सेकेंड क्वेश्चन हाउ इज के रिलेटेड टू क्यू, के क्यू का
कौन है। दो क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे गए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस आज आपको सर बताएंगे, अगले क्वेश्चन में वही प्रोसेस आपको लगाना है। एंड ट्रस्ट टू माय वर्ड, एक एक बच्चा यहां पे जो बैठा है सबका आंसर सही होगा गारंटी के साथ। एक क्वेश्चन देखिएगा बस आप लोग। देखो यहां पर क्या है, ए और वाई के भाई है, ए और वाई के भाई है, दोनों भाई हैं के। अब के यहां पर भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। यहां पर के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ए और वाई के बारे में दिया गया है कि ए और वाई के का भाई है, तो ए और वाई के लिए हमने क्लियरली के का भाई बना दिया। आगे क्वेश्चन में है कि वाई इज सन ऑफ पी एंड एस, वाई जो है वो पी और एस का बेटा है। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जब हस्बैंड वाइफ की बात आएगी तो क्वेश्चन में दोनों साइड एरो होंगे, यानी वाई पी और एस का बेटा है। तो वाई अगर पी और एस का बेटा है तो ए भी यहां पर पी और एस का बेटा होगा, और के का जेंडर अगर यहां पर पता नहीं है तो के यहां पर पी एस का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। लेकिन यह पता चल गया कि पी और एस के तीन बच्चे हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम वाई है, तीसरे का नाम के है। यानी ए और वाई यहां पर पी और एस के कंफर्म बेटे हैं, लेकिन पी और एस का बेटा के बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है पी इज डॉटर ऑफ एक्स, पी जो है वो एक्स की डॉटर है। जैसे पी एक्स की डॉटर बनेगी, पी यहां पर वाइफ हो जाएगी, एस यहां पर हस्बैंड हो जाएगा, यानी पी यहां पर मां हो जाएगी और एस यहां पर पिता हो जाएगा, किसका, ए वाई और के का। तो यहां पर पी अब मम्मी की मां यानी ये हो गई नानी, मम्मी की मां यानी नानी। आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है पी इज डॉटर ऑफ एक्स है, अभी पी इज डॉटर ऑफ एक्स है तो यहां पर एक्स का जेंडर नहीं पता है, एक्स यहां पे नाना भी हो सकता है, नानी भी हो सकती, अभी नहीं पता है। आगे क्वेश्चन में है कि एम इज फादर इन लॉ ऑफ एस, एम जो है वो एस के ससुर हैं। एम अगर एस के ससुर हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों भी वाइफ हस्बैंड हो गए, और पी एक्स की बेटी है, यानी एक्स यहां पर मम्मी की मां, मम्मी की मां यानी ये हो गई नानी और ये हो गए नाना। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यों इज सन ऑफ एक्स, क्यों एक्स का बेटा है, यानी नानी का बेटा कौन कहलाएगा, नानी का बेटा मामा कहलाएगा, क्यों एक्स का बेटा है। अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम, वाई एम का कौन है, एम यहां पर नाना है बट नेचुरल ये यहां पर नाती होगा, और नाती के लिए मैंने आपको सिखाया है ग्रैंड सन शब्द का प्रयोग, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ग्रैंड सन हो जाएगा। दूसरे में है हाउ इज के रिलेटेड टू क्यों, देखो भाई क्यों के बारे में तो पता है कि क्यों यहां पर मामा है, लेकिन के का जेंडर यहां पर क्लियर नहीं है, ये यहां पर ये भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकती है, यानी के का जेंडर यहां पे कंफर्म नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर ग्रैंडसन है और दूसरे का कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? हाँ जी बोलो।
क्लियर है सब लोगों का? कुछ लोगों ने पहले आंसर बता दिया था जिसमें संदीप कुमार का नाम है, ठीक है। एक सही था लेकिन दूसरा गलत था, एक सही था दूसरा गलत था। अब मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन, जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चंस बनाया है उसी तरीके से क्वेश्चन को आपको कनेक्ट करना है और अपने आंसर को सही करना है। तो सब लोग अब आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा और अब आपको क्वेश्चन बनाना है। गारंटेड बनेगा, भरोसा रखना अपने ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखना जरूरी है, किसी और के ऊपर बाद में। चलिए देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, जे इज सिस्टर ऑफ टी, जे टी की बहन है, टी इज मैरिड टू डी, टी की शादी डी से हुई, डी इज फादर ऑफ आर, डी आर के पिता हैं, एम इज सन ऑफ एच, एम एच का बेटा है, टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, टी एच की सास है, डी हैज ओनली वन सन, डी को केवल एक बेटा है, ए नो डॉटर, और कोई बेटी नहीं है। जे इज मैरिड टू बी, जे की शादी बी से हुई है, एल इज डॉटर ऑफ बी, एल बी की बेटी है। क्वेश्चन है, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल टी की कौन है, और सेकेंड है हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, जे आर का कौन है। दो क्वेश्चन है, बनाइए जरा इसको। जैसे बताया वही प्रोसेस यूज करना, कॉपी
क्वेश्चन बनेगा और बिल्कुल बनेगा। लिखना है पॉइंट को और कनेक्ट करा देना है। संदीप का आंसर आ गया है और मोहसिन का आंसर आ गया है। एक दो तीन। बेटा सूरज अभी सिखाया है तुम्हें, नाइस नहीं होता नीस होता है, फिर भी तुम नाइस लिख दिए ना, यही गलत बात है। समझाने के बाद भी अरे शिखा खतरनाक, पहली नीस इंग्लिश में, दूसरा मौसी हिंदी में, ये होता है भाई, हिंदी अंग्रेजी का मिश्रण इसको कहते हैं। चलो अब इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जिनके नहीं बने हैं वो लोग जरूर देखेंगे। जे इज सिस्टर ऑफ टी, जे टी की बहन है। सिंगल लाइन आ गया भाई, पता चल जाएगा कि बहन है, जे टी की बहन है। टी इज मैरिड टू डी, एरो दोनों साइड देना है, टी की शादी डी से हुई है। ठीक है भाई, टी इज मैरिड टू डी, डी इज फादर ऑफ आर, डी आर का पिता है। तो डी जैसे आर का पिता होगा, ये यहां पर माँ हो जाएगी, और ये मम्मी की बहन है तो ये मौसी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में है कि एम इज सन ऑफ एच, एम एच का बेटा है। डी इज फादर ऑफ आर आ गया, डी इज एम इज सन ऑफ एच, टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच। टी जो है वो एच की मदर इन लॉ है, टी एच की मदर इन लॉ है, यानी सास है, तो ये यहां पर फादर इन लॉ हो जाएगा। टी एच की, टी इज मदर इन लॉ ऑफ एच, टी एच की मदर इन लॉ आ गई। आगे क्वेश्चन में है कि डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, यानी आर यहां पर बेटा है, ये क्लियर हो गया, यानी अब यहां पर आर की एच से शादी हो जाती है, यानी ये यहां पर हस्बैंड हो जाएगा और ये यहां पर वाइफ हो जाएगी, क्योंकि डी को एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, तो डी का बेटा आर है, और डी अगर मदर इन लॉ है तो सीधी सी बात है
एच की शादी आर से हुई होगी, ये वाइफ हस्बैंड हो गए। आगे क्वेश्चन में है कि जे इज मैरिड टू बी, जे की शादी बी से हुई है, यानी ये मौसी हो गए, तो ये यहां पर मौसा हो गए। और आगे क्वेश्चन में है कि एल इज डॉटर ऑफ बी, एल बी की बेटी है, एल बी की बेटी है। अब यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल टी की कौन है, बहन की बेटी है, यानी एल बहन की बेटी है, और बहन की बेटी को नीस कहा जाता है, भांजी कहा जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर नीस बन गया। दूसरे में है हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, जे आर का कौन है। आप देखो क्लियरली आंसर निकाल कर हम बैठे हैं, जे आर की मौसी है, यानी मेटरनल आंट इसको कहेंगे, और आपका आंसर नीस और मेटरनल आंट हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया आंसर निकाला भाई तुम लोगों ने, ग्रेट। कभी कभी मजा ला जाते हैं, देते हो तुम लोग, इतना बढ़िया आंसर निकालते हो कि मुझे लगने लगता है कि तुम लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। वेरी नाइस यार, पहले का आंसर नीस है और दूसरे का आंसर मैटरनल आंट यानी मौसी है, आपने बहुत बढ़िया आंसर बताया। अरे कौन सा श्लोक सुना दूं माताजी पिताजी के ऊपर? संदीप, कौन वाला श्लोक? ये लो, ये मुझसे कह रहा श्लोक श्लोक बताने के लिए। क्लियर है बच्चों यहां तक? सब लोग बताएं यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत? सब लोग बोलेंगे तभी मामला आगे बढ़ेगा। बना लोगे ना? तो बस पिक्चर को बना लेना है और उसके बाद में कनेक्ट कर देना है उसको। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे और बिल्कुल करेक्ट निकलेंगे। भाई नहीं याद है मुझे संदीप, किसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुमको यहां पे बुलाएंगे स्टूडियो पे, तुम सुनाना ये वाला, ठीक है बच्चे? चलो चर्चा आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रकार पर आते हैं और क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि अगले प्रकार में आपके चेहरे पे स्माइल कैसे आती है, उसको आप खुद देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेगा और आपने देखा भी है। बेटा कब का क्लियर वाले बात नहीं है, कौन सा क्लियर है, कब का क्लियर है? सीजीएल क्लियर है तुम्हारा? फोटो भेजो, मैं फिर फोटो लगवाता हूं तुम्हारा। कब का क्लियर है वो तो मुझे मालूम है, लेकिन एसएससी सीजीएल क्लियर नहीं है ना, अभी उसके लिए तैयारी कर रहे हो ना तुम तो। मुझे मालूम है तुम्हारा एग्जाम क्लियर है, तुमने बताया था मुझे। चलो एक क्वेश्चन सब लोग देखोगे, पॉइंटिंग टू अ वेमेन, एक महिला की ओर दिखाते हुए अ मैन सेज, एक पुरुष कहता है, एक महिला की ओर दिखाते हुए एक पुरुष कहता है, शी इज द ओनली डॉटर
ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। एक महिला की ओर दिखाते हुए एक पुरुष कहता है कि ये मेरे पिता की इकलौती बहू की इकलौती बेटी है, इकलौती बहू की इकलौती बेटी है। हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू द मैन? वो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? वो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? पहले आप, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे उड़ाना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है शिवम राजन? चलो अब इस क्वेश्चन को आज के बाद तुम लोग बिना पेन चलाए अपने आंसर्स को निकालना। तुम्हारे सामने स्क्रीन होती है और डायरेक्ट स्क्रीन पर हम देखकर आंसर को बना पाएंगे। कैसे बनाना है इसको जरा सब लोग बोर्ड पर देखना। अभी जो भी स्पीकर होगा उसको माई शब्द के साथ कनेक्ट कर देना, यानी उस व्यक्ति के पिता। पिता की इकलौती बहू, पिता की इकलौती बहू उस व्यक्ति की पत्नी होगी और पत्नी की इकलौती बेटी, पत्नी की इकलौती बेटी इस व्यक्ति की भी बेटी होगी। यानी क्वेश्चन का आंसर डॉटर यहां पर होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने बोर्ड पर लिखकर बताया आपको क्वेश्चन कैसे कनेक्ट करना है, इसको सीखो। मैन सेज, व्यक्ति कहता है, माई फादर मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती बहू, मेरे पिता की इकलौती बहू मेरी कौन होगी? वाइफ होगी। मेरे पिता की इकलौती बहू मेरी वाइफ होगी और मेरी वाइफ की इकलौती बेटी मेरी भी कौन होगी? बेटी होगी। सिंपल आपको क्वेश्चन को ऐसे कनेक्ट करना है और अपने क्वेश्चन के आंसर को निकालना है। सो रिमेंबर, जहां पर माई शब्द आपको दिखेगा या हिंदी में मेरा, मेरी, मेरे शब्द आपको दिखेगा, वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत आपको करनी है। माई फादर मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती बहू मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की इकलौती बेटी मेरी भी बेटी होगी। डॉटर इसका आंसर बनेगा और वही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बता दोगे? किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत? अरे कमाल है भाई, ये सूरज जो है नाम करेगा, मेरा नाम करेगा रोशन, है ना?
जग में मेरा राज दुलारा, खतरनाक लिखा है इसने, नो दिक्कत, ये सब होता है ना भाई, ये डायलॉग खतरनाक है, नो दिक्कत। एक क्वेश्चन और बताओगे? चलो जी देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज, एक आदमी कहता है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। How is the woman related to the man? एक महिला की ओर दिखाते हुए एक पुरुष कहता है कि ये मेरे पत्नी की सास की इकलौती बेटी है, ये मेरे पत्नी की सास की इकलौती बेटी है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, वो महिला उस पुरुष की कौन है, वो महिला उस पुरुष की कौन है? बेटा ऐसे हिंदी में बोलूंगा तुम्हें तो एक लेमैन भी आंसर बता देगा, लेकिन तुम में से कितने लोगों ने पहले वाइफ बताया है? तुम सब लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं तुम लोगों को। सबसे पहले मुझे तुम लोग बताओ, मैंने कहा था माई से कनेक्ट कर देना, माई से। अब जरा मुझे बताओ भाई, मेरी पत्नी की सास मेरी कौन होगी? मेरी पत्नी की सास मेरी मां होगी, और मेरी मां की इकलौती बेटी मेरी कौन होगी भाई? बहन होगी, काम खत्म। सिंपल सी बात है क्वेश्चन में, इतना बढ़िया तरीका तुम्हें बता दिया मैंने क्वेश्चन को कनेक्ट करने का कि डायरेक्ट तुम अपने क्वेश्चन पे जा सकते हो और अपने आंसर को बिल्कुल करेक्ट बना सकते हो। यानी माई से शुरुआत करनी है और माई वाइफ्स मदर इन लॉ, मेरे पत्नी की सास मेरी मां होगी और मेरी मां की इकलौती बेटी, अरे मां की इकलौती बेटी रवि कौन होगा? कुछ भी बोलते हो यार, मां कैसे हो जाएगी, कुछ भी बोलते हो। सबसे पहले माई वाइफ, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की सास, बेटा मेरी पत्नी की सास मेरी कौन? मां। मां की इकलौती बेटी, मां की इकलौती बेटी मेरी कौन होगी भाई? बहन नहीं होगी, मां कहां से हो जाएगी यार, मां की इकलौती बेटी मां कैसे हो जाएगा? रवि दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, सिस्टर होगा,
बेटा तुम वहां ऊपर में देखो पहले क्या लिखा, 4:05 पे, समझ गए? अच्छा, इस बात पे तुम कह रहे थे माई वाइफ की सास माँ, अच्छा ये तुम कह रहे थे, ठीक है, गॉट इट यार, समझ गया मैं, क्लियर है? या एक क्वेश्चन और करोगे, एक क्वेश्चन और करोगे या बन जाएगा? जल्दी बोलो, एक क्वेश्चन और या बन जाएगा? चलो भाई, प्रभु का ऑर्डर आ गया है तो बात मना नहीं कर सकता भाई, भगवान की बात को कभी नहीं काटनी चाहिए, इसलिए प्रभु का ऑर्डर है तो भाई बात माननी है। पॉइंटिंग टू अ वेमेन, अ मैन सेज, एक महिला की ओर दिखाते हुए एक पुरुष कहता है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, ये मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी है, ये मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी है। हाउ इज द वेमेन रिलेटेड टू द मैन, वो महिला उस पुरुष की कौन है, वो महिला उस पुरुष की कौन है, बता दो। वो महिला उस पुरुष की कौन है? अब वही बात, वेद चौहान, बेटा तुम भागो यहां से, भाग जाओ तुम यहां से, कोई काम नहीं तुम्हारा। मेरे पिता, पिता की सास, पिता की सास कौन कहलाएगी भाई? नानी, और नानी की इकलौती बेटी, नानी की इकलौती बेटी कौन होगी? मदर हो जाएगी, खत्म खत्म भाई खत्म। एक लाइन में आंसर 5 सेकंड लगेगा और उससे ज्यादा का सेकंड आपको नहीं लगाना है। क्या लिख रहा है यार रवि, तू नहीं समझ में आ रहा मुझे सर, आप कुछ पूछोगे तो कुछ और बताऊंगा, बट फाइनल आंसर मदर है, नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी बातें, तुम क्या कर रहे हो, उस क्वेश्चन का आंसर मदर था या सिस्टर था, बस इतना बताना था भाई, है ना, क्लियर? बोलो भाई लोग, क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है भाई, मदर था तो ठीक है। देखो हर्ष कह रहा सर आज क्लियर हुआ है सर ये क्वेश्चन, बेटा क्लियर करवाने के लिए आए हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं,
बल्कि आपका एग्जाम भी। इंटेंशन बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस है, प्रॉमिस था, प्रॉमिस रहेगा। तो विश्वास बना के रखिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा, आगे बढ़ जाएं। बोलो जी। अब अगले पार्ट पर आते हैं, एक अगला प्रकार देखते हैं। इसको देखना है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हाँ जी, चलो इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इस प्रकार से इसको देखिएगा सब लोग। राजन इज सन ऑफ गरिमा हु इज मदर ऑफ श्याम। राजन गरिमा का बेटा है, राजन गरिमा का बेटा है जो श्याम की मां है, जो श्याम की मां है। प्रीति इज डॉटर ऑफ प्रकाश एंड प्रकाश इज मैटरनल अंकल ऑफ जॉन। प्रीति प्रकाश की बेटी है, प्रीति प्रकाश की बेटी है और प्रकाश जॉन का मामा है। प्रकाश जॉन का मामा है। गरिमा इज वाइफ ऑफ प्रकाश। गरिमा प्रकाश की पत्नी है, गरिमा प्रकाश की पत्नी है। हाउ इज प्रीति हस्बैंड रिलेटेड टू गरिमा? प्रीति का पति गरिमा का कौन है? एंड हाउ इज जॉन रिलेटेड टू गरिमा? जॉन गरिमा का कौन है? जॉन गरिमा का कौन है? पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा।
ऋतिका का आंसर, बेटा तुम ये देखो ना, जो पहले आएगा उसका दूसरे से बताना है। ये देखो, जॉन का नाम पहले आ रहा है तो पहले जॉन का नाम से कनेक्ट करना है क्वेश्चन को। पहले वाला हमेशा देखो, फिल्म वाला तुमने सुना है ना, नाम तो सुना है। हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? तो जिसका नाम पहले आएगा उसका दूसरे के साथ रिलेशन आपको बताना पड़ता है। जैसे ए बी का कौन है, तो ए का नाम पहले आया। राम सीता के कौन है, तो राम के बारे में बताना है। राम भरत के कौन है, पहला नाम राम का आया। राम दशरथ के कौन है, पहला नाम राम आया। तो क्वेश्चंस में एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जिसका नाम पहले आ रहा है उसका रिलेशन आपको बताना है दूसरे किसी के साथ। बस ये ध्यान रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब क्वेश्चन में जरा देखो, गरिमा इज वाइफ ऑफ प्रकाश है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, गरिमा और प्रकाश को हस्बैंड वाइफ बना दिया। एरो का साइन आ गया, बस क्लियर है भाई, ये हस्बैंड साइन हस्बैंड और वाइफ का है। राजन गरिमा का बेटा, एरो नीचे की तरफ आ गया बेटे के लिए। जो श्याम की मां, यानी ये श्याम की मां, दोनों आपस में कौन हो गए, भाई हो गए, ब्रदर्स हो गए दोनों आपस में। प्रीति प्रकाश की बेटी, प्रीति प्रकाश की बेटी, यानी ये ब्रदर ये सिस्टर आ गए। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रीति का हस्बैंड गरिमा का कौन है, प्रीति गरिमा की बेटी है और बेटी का हस्बैंड कौन कहलाएगा, बेटी का हस्बैंड कहलाएगा सन इन लॉ, दामाद। सेकेंड क्वेश्चन में है कि प्रकाश मैटरनल अंकल है जॉन का, यानी प्रकाश अगर मामा है, मामा है जॉन का, तो गरिमा उसकी पत्नी है, तो गरिमा हो जाएगी मामी। तो जब ये मामा और मामी आ गए तो जॉन के नाम पर कोई डाउट मत करना। यहां पे कुछ लोगों के माइंड में चल रहा है कि सर यहां पर कैन नॉट बी डिटरमाइन, हो सकता है क्योंकि जॉन मेल है या फीमेल है पता नहीं चल रहा है। याद रखना आप लोगों को ये बात जरूरी है कि कुछ नाम यूनानिमसली मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ फीमेल के लिए। संदीप कभी भी किसी लड़की का नाम नहीं, सूरज कभी भी किसी लड़की का नाम नहीं, वेद कभी भी किसी लड़की का नाम नहीं, ऋतिका कभी भी किसी लड़के का नाम नहीं, शिखा कभी किसी लड़के का नाम नहीं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कुछ नाम को यूनानिमसली मेल जेंडर और फीमेल जेंडर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जॉन नाम हमेशा मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए जॉन यहां पे गरिमा का नेफ्यू होगा और यही आपका राइट आंसर हो। लेकिन कुछ नाम है जिसका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है। कुछ नाम है जैसे आपने दिनेश नाम सुना होगा, आशु सुना होगा, संतोष सुना होगा,
सिमरन सुना होगा, नीलम सुना होगा, विमल सुना होगा, ये सारे नाम मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बनी संदीप, बनी नाम मुझे लगता है सिर्फ तुमने ही सुना है और किसी ने नहीं सुना है। मैंने नहीं सुना है, तुम्हें से किसी ने सुना है बनी? और यस बाबू है ना, बाबू नाम भी नहीं पता चलता जेंडर, कौन बाबू है ना। बाबू खाना खाया, शिवम कह रहा है सुना है, वेद को नहीं सुना है। अरे रवि देखो, रवि खतरनाक है भाई, ये जवानी दीवानी में रणबीर का नाम है बनी। हाँ बेटा तुम लोग मूवी देखो बस, है ना। बोनी कपूर हमने सुना है, देखो संदीप क्या कह रहा है, बाबू मेरा भी निकनेम है। अरे वाह बाबू, ये लोरितिका ने क्या कह दिया, संदीप के खरगोश का नाम होगा। संदीप तुम देख लो, बनी तुम्हारे खरगोश का नाम है। बेटा तुम फिल्म वाला कॉपी तो मत करो, यहां पे फिल्म की कॉपी कर रहे हो तुम। वेद चौहान, बाबूलाल हमेशा मेल जेंडर का होता है बच्चे, मेल जेंडर का होता है हमेशा, है ना। रवि यार तुम तो फिल्मी दीवाने हो यार। स्पीच क्या होता है भाई? सर मेरा खरगोश नहीं है पर दो स्पीच एंड एक वन लेबराडोर, वो तो समझ में आ गया। स्पीच क्या नहीं समझ में आया? लेबराडोर लिखा है बेटा। संदीप तुम एक खरगोश भी रखी लो और उसका नाम बनी रख देना, तो बेटा डिमांड आई है तो रखना पड़ेगा ना, किसी की बात नहीं काटते यूं। बेटा आज ही मार्केट जाओ क्लास के बाद, खरगोश लेकर आओ और उसका नाम रखो। ठीक है बेटा हम समझ गए, सब समझ गए। अब एक क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग, एक बार बात शुरू हो जाए तुम लोग की, है ना, खत्म ही नहीं होती। फिर एक क्वेश्चन बनाओ अब तुम लोग। मनीषा एंड महिमा आर चिल्ड्रेन ऑफ रामू एंड मधु। मनीषा और महिमा रामू और मधु के बच्चे हैं। मनीषा इज मैरिड टू डेविड हु इज सन ऑफ राकेश एंड वर्षा। मनीषा की शादी डेविड से हुई जो राकेश और वर्षा का बेटा है, राकेश और वर्षा का बेटा है।
माया इज डॉटर ऑफ डेविड, माया डेविड की बेटी है। डेविड सिस्टर कटरीना इज मैरिड टू सलमान एंड हैज टू सन्स आर्यन एंड आयान। डेविड की बहन कैटरीना की शादी सलमान से हुई। डेविड की बहन कैटरीना की शादी सलमान से हुई और इनके दो बेटे आर्यन और आयान हैं। हाउ इज मनीषा रिलेटेड टू कटरीना? मनीषा कटरीना की कौन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माया एंड आर्यन? माया और आर्यन के बीच क्या रिश्ता है? और थर्ड है, हाउ इज सलमान रिलेटेड टू वर्षा? सलमान वर्षा का कौन है? तो आपको बताना है हम आपके हैं कौन।
हाँ जी, आंसर बताऊं? बोलो भाई लोग। चलो, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर्स निकालने का तरीका अब सब लोगों को देखना है। देखना है भाई, डायरेक्ट लिखना पढ़ना कुछ नहीं है। इन सब क्वेश्चन में डायरेक्ट हम अपने आंसर को निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाइए, किसके बारे में पूछा गया है ये देख लीजिए। मनीषा और कटरीना के बारे में बोला गया है। देखो भाई, मनीषा की शादी डेविड से हुई है और कटरीना डेविड की बहन है, यानी ये भाई की वाइफ है। तो भाई की वाइफ कौन कहलाएगी? भाई की वाइफ भाभी कहलाएगी, यानी इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहेंगे। पहले का आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में माया और आर्यन के बारे में पूछा गया है कि माया और आर्यन का क्या रिश्ता है। माया डेविड की बेटी है और आर्यन कटरीना का बेटा है। अब यहां पर क्वेश्चन में देखो, डेविड और कटरीना आपस में भाई बहन हैं। एक भाई की बेटी है, एक बहन का बेटा है। भाई की बेटी और बहन का बेटा आपस में कहलाएंगे कजन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कजन आ गया। तीसरे में है कि सलमान वर्षा का कौन है। सबसे पहले देखना है कि सलमान है कौन। सलमान कटरीना का हस्बैंड है और यहां पर कटरीना वर्षा की बेटी है, यानी बेटी का हस्बैंड कौन कहलाएगा? बेटी का हस्बैंड कहलाएगा सन इन लॉ। और यहां पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। तो ये है आपके राइट आंसर। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स ये थे। संदीप, वेरी गुड बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहां तक क्लियर है सब लोगों का? सब लोग बताइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाइएगा, कुछ लिखा पढ़ी नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन को कनेक्ट करते जाइएगा और अपने आंसर को बनाते जाइएगा। तो ये प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो स्क्रीन पर ही आंसर आपको निकालना है और क्वेश्चन
क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये प्रोसेस यूज करोगे और अपने आंसर को बना लोगे। चलिए, इसका एक और प्रकार है जिसकी जानकारी आपको दे देते हैं, उसको भी आप लोग देख लें और सीख लें। अरे जाकर कोई बनाओ ना, कोई भी क्वेश्चन आज के बाद। चिंता अगर करोगे तो फिर मेरी क्या जरूरत थी बताओ ना, मैं हूं तो फिर चिंता की क्या जरूरत है तुम्हें। बी इंटू सी का अर्थ है बी इज डॉटर ऑफ सी, बी सी की बेटी है। बी प्लस सी का अर्थ है बी इज हस्बैंड ऑफ सी, बी सी का पति है। एंड बी माइनस सी मीन्स B is sister of C, B C की बहन है। क्वेश्चन है M plus N minus P into Q, और आपके पास ऑप्शन है M is brother in law of Q, M Q का जीजा या साला है, M is uncle of Q, M Q का चाचा है, M is son in law of Q, M Q की Q का दामाद है, and Q is mother in law of M, Q M की सास है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। संदीप कुमार, देखो बच्चे, कोशिश करता हूं बच्चे कि तुम लोगों को जो पढ़ाऊं ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें पढ़ाऊं यार। कनेक्ट करो।
क्या फूफा जी, बेटा सूरज, ऋतिका सेकेंड इज राइट, रजत कटारिया भी सेकेंड। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो इस क्वेश्चन को तुम लोगों सिखाते हैं, अच्छे से देखना और समझना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद क्वेश्चन को देखो सब लोग, दो दो टर्म्स को पिक करना। सबसे पहले ले लो m प्लस एन। अब क्वेश्चन में देखो कि प्लस का मीनिंग क्या है, तो प्लस का मीनिंग हस्बैंड है, यानी m n का हस्बैंड है। तो आपने ये कर दिया, यहां पे पति, यहां पर पत्नी, एम एन का पति है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब हम लोग एन माइनस पी निकालेंगे, एन माइनस पी अब हमें निकालना है। अब इन दोनों का टर्म हमें पता करना है। तो माइनस का मीनिंग है एन पी की सिस्टर है, एन पी की बहन है, एन पी की बहन हो गई। और आगे क्वेश्चन में है पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू का मीनिंग अब क्वेश्चन में देखो क्या है, इंटू का मीनिंग है पी क्योंकि बहन है, पी क्योंकि बेटी है, पी क्योंकि बेटी है। अब यहां पर ये भी बेटी हो गई, ये भी बेटी हो गई, किसकी? क्योंकि बेटी हो गई। ये दोनों आपस में बहन हो गई, और बेटी का ये हस्बैंड हो गया। तो बेटी का हस्बैंड कौन कहलाता है? सन इन लॉ कहलाता है। यहां पे थर्ड ऑप्शन यहां पर बनेगा। फोर्थ ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्यों का जेंडर यहां पर पता नहीं है। यहां पर ये पिता भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, यानी फादर इन लॉ भी हो सकते हैं और मदर इन लॉ भी हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा। एम क्यों का दामाद है, बेटी का हस्बैंड है, और बेटी का हस्बैंड दामाद कहलाता है। एम यहां पर क्यों का दामाद है। थर्ड ऑप्शन बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? एक और दे दो, चलो एक और क्वेश्चन ले लो। एक और ले लो। ए इंटू बी, ए इज फादर ऑफ बी, ए प्लस बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, एंड ए माइनस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। टी माइनस पी इंटू आर प्लस एन माइनस एल। फर्स्ट ऑप्शन, आर इज मदर ऑफ टी, एल इज वाइफ ऑफ पी, एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, एंड फोर्थ, एल इज मदर इन लॉ
ऑफ आर। बताओ हाँ जी बताइए जल्दी। दो दो टर्म्स को कनेक्ट करना, टी को पी के साथ कनेक्ट करो, फिर पी को आर से कनेक्ट करो, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस को कनेक्ट करना है, बनेगा आंसर और जरूर बनेगा। चलो जी देखो क्वेश्चन में टी माइनस पी का मतलब, सबसे पहले टी पी का बेटा है, टी पी का बेटा है, पी इंटू आर मीन्स पी आर के पिता हैं, पी आर के पिता हैं, आर प्लस एन मीन्स आर एन की वाइफ है, तो आर टी की बहन हो गई, ये भाई हो गया, ये वाइफ हो गई, ये हस्बैंड हो गया। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन माइनस एल, माइनस का मीनिंग है एन एल का बेटा है, यानी एन एल का बेटा है, ये माँ भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकते हैं। अब आपके पास दो फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, पी के दो बच्चे हैं, एक का नाम टी है, दूसरे का नाम आर है, पी के बेटी आर से एन की शादी हुई है जो एल का बेटा है। अब यहां पर आर इज मदर ऑफ टी नहीं हो सकता, आर टी की बहन है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। एल इज वाइफ ऑफ टी नहीं हो सकता, एल अलग फैमिली है, पी अलग फैमिली है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। एल इज मदर इन लॉ ऑफ आर नहीं हो सकता है क्योंकि एल का जेंडर पता नहीं है, चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। लेकिन एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी 100% हो सकता है क्योंकि एन आर का हस्बैंड है और आर टी की बहन है, यानी बहन का हस्बैंड जीजा कहलाता है, यानी एन टी का जीजा है, ब्रदर इन लॉ है, ये यहां पर बनता है, तीसरा ऑप्शन बनेगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को बनाने थे, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही बताया, बहुत लोगों से आंसर इसका गलत भी हुआ, तो यहां पे थर्ड ऑप्शंस करेक्ट माना जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दो दो टर्म्स को पिक कीजिएगा, इस क्वेश्चंस के लिए दो दो टर्म्स पिक करना जरूरी है, अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया है, आज क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। होपफुली आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय की, आप लोगों ने सीखा चीजों को, क्वेश्चंस को बनाएंगे, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, थैंक यू।